हनुमानगढ़ी से हमारे साथ महंत राजूदास जी भी जुड़ गए हैं। राजूदास जी, आपकी क्या राय है, 31 तारीख को पूजन होना चाहिए या 1 नवंबर को पूजन होना चाहिए? आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मैं रुक करूंगी आपका, ऑडियो को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। इस बीच हमारे साथ पंचांग विशेषज्ञ आचार्य विनय झा जी भी जुड़ गए हैं। विनय जी, पंचांग तो अपने आप में ही एक पूरा का पूरा ग्रंथ होता है, उसको स्टडी करते हैं इतने सारे ज्योतिषाचार्य हैं। इस बार इतनी ज्यादा विकट स्थिति है कि कुछ आचार्य कह रहे हैं कि 31 तारीख को दिवाली पूजन करिए, कुछ कह रहे हैं 1 नवंबर को करिए, तो ये क्यों स्थिति आ पड़ी है? देखिए, जहां तक शास्त्रीय नियमों का सवाल है उसमें कोई मतभेद नहीं है। मतभेद है गणितीय गणना के कारण। इसमें दो प्रकार की गणनाएं हैं, एक तो जो हमारा परंपरागत सैद्धांतिक पक्ष जो है व्रत पर्व के लिए उसमें सिद्धांत दिया जाता रहा है, और दूसरा जो है जो आधुनिक भौतिक विज्ञान का जो खगोलीय सुदर्शव है, तो उसमें समस्या ये आ गई है कि नासा की एक संस्था है जेट प्रोपोर्शन लेबोरेटरी, उसने इसका बहुत अच्छा और सूक्ष्म गणितीय एफेमेरी सार्वजनिक किया है, और उसी के आधार पर स्विट्जरलैंड की संस्था ने स्विस एफेमेरिस बनाया है, जिसके आधार पर भारत के जितने भी आधुनिक सॉफ्टवेयर हैं और पंचांग है वो आधुनिक वाले जो निष्पक्षवादी हैं एक तारीख के पक्ष में वो सब गणना करते हैं। इन लोगों से गलती क्या हुई है, वो नासा से गलती नहीं, ये भारतीय लोगों ने सॉफ्टवेयर वालों ने गलती की है कि जियो सेंट्रिक अमावस्या इन्होंने घोषणा कर दिया है। तो नासा जब अंतरिक्ष यान छोड़ता है तो उसे जियोसेंट्रिक भूकेंद्रिक गणना की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो उसका वो क्रूज मिसाइल या वो स्पेसशिप से भटक जाएगा। और हम लोग कुंडली बनाते हैं या व्रत पर्व करते हैं क्योंकि हम लोग भूतल पर रहते हैं, तो हमको भूतल वाली गणना चाहिए। तो नासा की एफेमेरिस में दोनों प्रावधान, और ये जो भारतीय सॉफ्टवेयर सब हैं इनमें भी दोनों हैं कुंडली, ये लोग भूपृष्ठीय बना, जैसे आप बनारस में पैदा हुए हैं तो आप बनारस से अपना कुंडली बनाइएगा, भूपेंद्र से तो नहीं बनाइएगा। थोड़ा सा इसे सरल कर दीजिए ना विनय जी, क्योंकि बहुत सारे आज तक के दर्शक हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से आज जानना चाहेंगे किस दिन दिवाली मनाएं। हाँ, तो मैं एक मिनट में स्पष्ट कर दूंगा। ये भूकेंद्रीय गणना के अनुसार ये 6-18 सायं का प्रचार हो रहा है देश में, तो भूकेंद्र में यदि आप बनाते हैं तब तो दुनिया में सबकी एक जैसी कुंडली बनेगी, भूकेंद्र तो एक ही है पूरी पृथ्वी पर। तो ये और पर्व त्योहार भी जो है वो भूकेंद्र पर तो कोई नहीं मनाता है, ये 6-17 सायं का जो ये लोग कह रहे हैं 1 नवंबर का, वो भूकेंद्रीय गणना है, ये मैं दावे से कह रहा हूँ, क्योंकि वो स्विट्जरलैंड के फेमस बनाने वाले मेरे मित्र हैं, मेरी ईमेल सूची में है, उन्होंने कहा भी है कि आप मेरे बयान को आप सार्वजनिक कर सकते हैं कि ये जियोसेंट्रिक गणना है, तो हम लोग भूपृष्ठीय गणना लेंगे, जियोसेंट्रिक नहीं लेंगे। ये लोग जानबूझकर या अनजाने में गलत बात का प्रचार करके देश को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो आपके मुताबिक 1 नवंबर को दिवाली है? नहीं, एक वाला गलत गणना, गलत गणना है वो, तो 31 तारीख को पूजा करनी चाहिए, वही पूजन का सही दिन है। विनय पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनय पांडे जी की राय जान लेते हैं। प्रोफेसर साहब, जो विनय झा जी कह रहे हैं, आप उनकी बात से सहमत हैं या फिर आपकी अलग राय है? मैं तो अभी, विनय झा जी श्रेष्ठ हैं, गणित भी अच्छा जानते हैं, अच्छे विद्वान हैं, ये अपने वेबसाइट पे लिखे हुए हैं, इनका एक पंचांग मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए आदित्य पंचांग है, और इन्हीं के द्वारा इसके गणित करता और पंचांग करता यही है, ऐसे ऐसे 15 पंचांग इनके गणित के द्वारा प्रकाशित होते हैं पूरे देश में। और इसके कार्तिक मास की अमावस्या की जो तिथि है उसमें आप देख लीजिए 31 तारीख दिया है इन्होंने, क्यों लिखा है और आज एक की बात ये क्यों कर रहे हैं, ये मेरे समझ से परे की बात है। सबसे पहली बात, विनय झा जी ने अपने इस पंचांग में ये पंचांग हमारे हाथ में है और इसके गणितकर्ता भी विनय झा जी हैं, बड़ी सम्मान के साथ मैं कह रहा हूँ, पता नहीं क्यों 1 तारीख आ रहे हैं। और दूसरा जो है लियोसेंट्रिक जियोसेंट्रिक भूगर्भी और भूपृष्ठीय की बात करते हैं, वो मुझे पता है क्योंकि जितने भी आचार्यों ने हमारे ज्योतिष शास्त्र में गणित की परंपरा से गणित गणना की है, गणित किया है जिन्होंने भी, हमारे यहाँ आचार्यों को ऐसा नहीं था कि भूपृष्ठीय गणना नहीं पता थी। हमारे आचार्यों ने जितने भी हमारे ग्रहों की गणना की है और उसके द्वारा तिथि का साधन किया है, सब भूगर्भीय ही किया है, और उनको भूपृष्ठीय का भी पता था, इसीलिए उन्होंने कहा कि जितने भी दृश्य पदार्थ हैं, जो कुछ भी देखना है आपको, जैसे कि इक्लिप्स देखना है, ग्रहण देखना है, ग्रहों के उदयास्त देखने हैं, तो वो सब जो है उनकी गणना के लिए आपको भूपृष्ठीय लेना पड़ेगा। भूपृष्ठीय में लंबन संस्कार होता है, वो तिथि आगे तक बढ़ जाएगी।
तो निश्चित ही अगर भूपृष्ठीय लेंगे तो आगे तक बढ़ जाएगी, लेकिन व्रत पर्व निर्धारण इत्यादि में भूपृष्ठीय ग्रह नहीं लिए जाते हैं, ये इनको पता है, लेकिन पता नहीं क्यों 1 तारीख की कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये अच्छे विद्वान है, इनको पता है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, जिस सूर्य सिद्धांत को लेकर के ये ग्रह गणित बनाते हैं और जिस सूर्य सिद्धांत को हम लोग विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं, उन्हीं के अनुयायी कमलाकर भट्ट जी भी हैं, उन सबने कहा है कि भूगर्भीय गणना से ही हम तिथि व्रत पर्व इत्यादि का निर्धारण करें और उसके अनुसार 31 तारीख को ही हो रही है। दूसरा एक बात और कर दूं, राज मिश्रा जी अभी बात कर रहे थे कि वो वहां पर इन्होंने लिखा हुआ है धर्म सिंधु कार ने कि अस्तोत्र बने सूर्योदयम व्याप्य अस्तोत्रम घटिका मृत्यु दर्शे न संदेह, ये सामान्य वचन है, ये तब के लिए है जब पूर्व या पर में पूर्ण प्रदोषक काल व्यापिनी अमावस्या नहीं मिल रही है। आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है, देखिए चित्रा जी आपको मैं एक बात बता दू, नेहा नाम पहले मेरा। मेरा जी मैं नेहा जी मैं आपको बता दू कि एक बात सबसे पहले कि सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि ये प्रदोष काल क्या है। तो सूर्यास्त के बाद का जो 3 मुहूर्त का काल होता है, यानी कि 2 घंटे 24 मिनट का काल होता है, वो प्रदोष काल होता है। फिर आचार्यों ने कहा कि कब बनाना है, तो कहा कि प्रदोषे पूजये लक्ष्मीम अलक्ष्मीम विनिवृत्तये, प्रदोष काल में लक्ष्मी का पूजन करिए अलक्ष्मी को दूर करने के लिए। अगर 2 दिन प्रदोष मिले तो क्या करेंगे, तो कहा कि 2 दिन अगर प्रदोष मिलेगा तो अगले दिन करिए, फिर कहा कि पूर्व दिन प्रदोष मिले तो पूर्व दिन, फिर इसके साथ एक और भी ब्रह्म सिद्धांत का वचन है। ठीक है, आपने अपना पक्ष रख दिया है, आप ये कह रहे हैं कि 1 तारीख क्यों लोग ला रहे हैं इस डेट को, इस तिथि को, ये आपकी समझ से परे, 31 तारीख को ही दिवाली है। मैं राजू, अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।